नमस्कार दोस्तों, चकदे फट्टे, कैसे हैं आप? साल खत्म होने वाला है, नया साल बस दस्तक देना शुरू कर चुका है और नए साल को लेकर बड़ी खास प्रोग्रामिंग है जो कि जागरण हाईटेक की टीम आपके लिए कर रही है। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। इस 2021 में क्या क्या हुआ था इसका पूरा ब्यौरा हम आपको यहाँ पर देंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक नई गाड़ी की जो कि फोक्सवैगन की तरफ से दूसरी एसयूवी है जो कि इस साल लॉन्च हुई है। सितंबर में आई थी इससे पहले टाइगुन, अब वो गन हट गया है और आ गई है टिगुआन। ये गाड़ी पहले लॉन्च हुई थी 2017 में, जो अब आप देख रहे हैं ये है फेसलिफ्ट। कीमत है इसकी 31.99 लाख यानी कि 32 लाख एक शोरूम, और पहले इसकी कीमत थी 28 लाख। कीमत में हो चुका है इजाफा, सीकेडी है, उसके बावजूद सिर्फ एक वेरिएंट है जो कि इस गाड़ी का बाजार में उतारा गया है और इसमें कुछ है बदलाव, एक फेसलिफ्ट है। क्या क्या है बदलाव, शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर के साथ। कीमत सुनने के बाद आपका थोड़ा सा दिल बैठ गया होगा, लेकिन छोड़िए, अच्छी चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और वो अच्छी चीज़ों में आपको मिलेगा चेहरा जिसकी मुस्कान बदल चुकी है। ये जो ग्रिल है ये आपको नया दिखेगा। फोक्सवैगन की बैजिंग एज यू नो अब बदल चुकी है, तो यहाँ पर वो नई बैजिंग भी आपको नजर आएगी। और सबसे बड़ा जो बदलाव है वो है ये लाइट, IQ लाइट, LED मैट्रिक्स लाइट, ये है जो कि चेहरे में आपको बदलाव नजर आएगा। बाकी ओवरऑल कोई बहुत बड़ा बदलाव आपको नजर नहीं आएगा। गाड़ी वही 2-3 साल पहले 2017 से जो आप देख रहे हैं वही टिगुआन है। ओवरऑल साइड प्रोफाइल या रियर प्रोफाइल कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। ओवरऑल डायमेंशन सेम है, यानी कि स्पेस में आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा। आपको फर्स्ट रो सेकंड रो कंफर्ट वैसा ही देखने को मिलेगा। एक ही वेरिएंट है अब जो कि आपको मिल रहा है। लेट्स गेट टू द फ्रंट फर्स्ट। सबसे पहले जो नई चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो ये स्टीयरिंग व्हील है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है जो कि आपको यहाँ पर इस नई फेसलिफ्ट में मिलेगा। इसके अलावा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपको नया दिख रहा है। ये जो 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये आपके लिए नया है। और ये आपके और मेरे लिए नया इसलिए नहीं है क्योंकि हम इसको पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा देख चुके हैं। कुशाक हो चाहे फिर वो टाइगुन हो, वहाँ पर जिस तरीके के आपको कंट्रोल दिए गए हैं वैसे ही यहाँ पर इस फेसलिफ्ट में आपको नजर आएगा। और क्या है, स्पेस की जब बात होती है तो ग्लव बॉक्स डिसेंट इनफ है, लेकिन आया ये जो लेदर सीट्स है ना वाजिब लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। स्टोरेज स्पेसिस की बात हो रही है, ग्लव बॉक्स आप देख चुके हैं, यहाँ पर आप 2 कप होल्डर रख सकते हैं। और उसमें भी देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ग्लासेस का जो साइज़ है वो ऊपर नीचे हो सकता है, आपके ग्लास के साइज़ के हिसाब से आप ये एडजस्टमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस विल लॉक योर ग्लास और जब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप इसको वापस स्लाइड कर दीजिए एंड दिस गिव्स यू अ बेटर स्पेस। नाइस, आर्मरेस्ट के नीचे भी थोड़ी जगह मौजूद है, थोड़ी सी जगह आपको यहाँ पर भी मिलेगी, आपका फ़ोन आप रख सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग नहीं है, 2 USB सॉकेट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, 3 ड्राइव मोड भी हैं जो कि आपको दिए गए हैं। कैसे चलते हैं इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानकारी ले लेंगे। तो 4 ड्राइविंग प्रोफाइल है जो कि यहाँ पर आपको मिलेंगे। आपको मिलेगा इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में आप अपनी तरीके से खुद एडजस्ट भी कर सकते हैं। जो आपकी ड्राइविंग पोजीशन है वो आपको आराम से मिल जाती है क्योंकि देर आर सो मेनी एडजस्टमेंट दैट यू कैन डू बिफोर यू गेट ऑन टू योर ड्राइविंग पोजीशन। सो इट्स ईजी टू गेट 8-way एडजस्टेबल स्टीयरिंग, सीट में भी काफ़ी एडजस्टमेंट्स हैं। और मैंने जैसे कहा एक ही वेरियंट है तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी का रियर बेंच भी चेक कर लेते हैं। इनग्रेस आउटग्रेस काफ़ी आसान है और मैंने कहा ना सीट लाजवाब है, लेकिन यहाँ यहाँ पर आपके बीच में बहुत बड़ा टनल है जो कि नज़र आएगा। 3 व्यक्ति बैठ तो सकते हैं, बीच वाले जो व्यक्ति हैं उनको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा इस टनल की वजह से। यहाँ पर भी आपको एक USB चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। बॉटल स्टोरेज की जगह की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, लोड्स ऑफ स्टोरेज स्पेस। आर्मरेस्ट के लिए अरे ये का है, आर्मरेस्ट के लिए जगह ज़रूर मौजूद है लेकिन मज़ेदार नहीं है ये, ना तो मैं यहाँ पे ग्लास या बॉटल रख सकता हूँ बहुत आसानी से। और ये पूरा बंद होना चाहिए था, व्हाट इज़ दिस, उप्स, नो दिस इज़ नॉट ग्रेट। ये अगर बंद होता तो ज़्यादा ठीक था, यहाँ पे इसका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अदरवाइज देयर इज़ नथिंग। ओके,
सीट्स बेहद कंफर्टेबल हैं, कोई शक नहीं है, लेग रूम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेड रूम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा इस सीट्स को आप आगे पीछे एडजस्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा रूम बनाना है आप अपनी सीटिंग पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, द वे यू लाइक इट, थोड़ा स्ट्रेट अपराइट चाहिए आपको, थोड़ा एंगल आपको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बैजिंग बदल गई है, लाइट्स बदल गए हैं, यानी कि रेयर में भी आपको बदलाव है जो कि थोड़ा सा कंपनी ने आपको दे दिया है। एक ही वेरिएंट है, फोर मोशन, जैसे कि मैंने कहा ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है जो कि आपको इसमें नजर आएगा। टायर्स भी नए डिजाइन के साथ हैं। खुल गया सिमसिम, और सिमसिम अंदर क्या है देखने को जो आपको मिल रहा है, चलिए पता लग रहा है कि महंगी गाड़ी है तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। ये तीनों की तीनों सीट अगर आप चाहते हैं ना कि सफर आपका थोड़ा और ज्यादा लगेज है जो कि आपको निपटाना है, तो टच ऑफ ए बटन आप स्पेस बना सकते हैं। दोनों तरफ ये लीवर मौजूद हैं, और ये लीजिए, हाँ आगे वाले के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी, या शायद वहाँ एक सामान पड़ा हुआ है जिस वजह से अटक रहा है। आपको यहाँ हुक भी दिए गए हैं जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को लटका कर भी रख सकते हैं, और स्पेयर व्हील ईजी, और इस स्पेस को आप और बना सकते हैं ज़्यादा अगर चाहते हैं। Now it's time to check the most important thing, what's new in this car, and that is a 2-liter petrol engine. No diesel, only petrol. Time for us to move. इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ, आगे पीछे दाएं बाएं और ऊपर कहीं पे भी आप देख लो, ग्लास एरिया की कोई कमी नहीं है, गाड़ी बिल्कुल खुली लगती है, मस्त लगती है। लेकिन दिल्ली जहां पर हम इस वक्त इस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मौसम सनरूफ खोलने का नहीं है, तो इसलिए उसको करते हैं वापस बंद, और मैं हो जाता हूं शुरू ये बताने के लिए कि इस 2 लीटर के पेट्रोल इंजन में, टर्बो पेट्रोल इंजन जिसका इस्तेमाल कई गाड़ियों में हो भी रहा है, और फोक्सवैगन की लाइनअप में भी जो पहले टिगुआन ऑल स्पेस मौजूद थी उसमें इसी इंजन का इस्तेमाल हुआ था। ये गाड़ी जो है पहले से पावरफुल जरूर है, 190 bhp की पावर देती है, 320 nm का टॉर्क देती है, 2000 से 6000 का जो पावर बैंड है मस्त बैंड है, जितना ऊपर जाएंगे उतना आपको मजा आने वाला है। लेकिन 2000 से नीचे यानी कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक खेलने की जगह नहीं है। 7-speed ऑटोमेटिक गियरबॉक्स जरूर है आपके पास, शिफ्ट मस्त है, मजेदार है, खासकर डाउन शिफ्ट। अब शिफ्ट में आपको कभी कभार लगता है कि गाड़ी थोड़ी ज्यादा जल्दी में है, बट डाउन शिफ्ट इफ किक एस नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाईवे पर गाड़ी मस्त कलंदर है, सिटी कम्यूटिंग में टर्निंग रेडियस मुझे थोड़ी सी दिक्कत दे रहा था, कई जगह पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बल्कि गाड़ी है टर्निंग रेडियस थोड़ा और बेहतर होता तो ज़्यादा मज़ेदार था, क्योंकि अदर टू कार्स विच कम्स इन टू माई माइंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टर्निंग रेडियस इज सिट्रॉन C5 एयरक्रॉस और द कंपस, एंड बोथ फॉर गुड प्रीमियम जर्मन क्वालिटी फिट एंड फिनिश एंड दैट एलिगेंट डिज़ाइन विद नो नॉनसेंस अपील। ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको एक ही जगह मिलेंगी, और वो है फोक्सवैगन की टिगुआन में। इट्स अ फन कार। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आपकी और मेरी लड़ाई ना हो इसके लिए जरूरी है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।